कर लिया है भाई जिमनी का ऑफिशियल ट्रेलर। आज हम इसको आपको असेंबल करके दिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दे दी, तो अब वो सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। जल्दी से इसको ओपन करता हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक ट्रेलर देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलती है एक मैनुअल बुक, को मैनुअल के साथ में देखने मिलते हैं इसके सारे स्टिकर, जिसको हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। और उस ट्रेलर की जैसे ही आप कैप ओपन करोगे, ऊपर वाला जो हुड वगैरह जो भी उसे कह सकते हो, तो उसमें काफ़ी सारे आपको एसेसरी पार्ट जो है मिल जाते हैं। ये आगे को इसको टो करने के लिए ये कुछ टूल और स्क्रू दे रखे हैं इसको सेट करने के लिए, और यहाँ पे एक जेरिकेन और इनको कैरियर हुक दे रखा है। तो इनको कैसे सेट करना है वो सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके जो टूल्स मतलब जो इसमें साथ में जो एसेसरीज पार्ट दे रखे हैं जिससे ये असेंबल होगा, वो बाहर निकाल देता हूँ। तो ये है आगे वाला जो कैरियर पार्ट जो जिमनी के इस भाग को अटैच करने के लिए जाएगा। इस तरह ये कुछ होगा, ठीक है, इसमें ये जाएगा और ये हो गया अटैच करने के लिए तेरा। भी जिमनी के पीछे जो हुक दे रखा है, ये जो हुक दे रखा है इसमें कुछ इस तरह अटैच होगा और ये इस तरह रखेगा भाई। सबसे पहले हमें इन दो स्क्रू को ओपन करना होगा और ये कुछ इस तरह यहाँ पे ये अटैच होगा। और दो दे रखे हैं हुक, कोई भी से लगा सकते हैं। जिमनी के पीछे ये इजीली जो है ये इसमें लॉक हो जाता है। ये पूरा जिमनी के दे रखा अंदर डालते ही लॉक हो जाता है। ये वाला देख सकते हो, तो ये वाला इसमें लूज हो रहा है, इतना टाइट नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा छोटा है होल और ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काम नहीं आएगा। पहले इन दोनों स्क्रू को ओपन कर लेना है क्योंकि यहीं पर इंस्टॉल होगा। इन दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद हम इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा ऊपर करना है और ये देखो ये इजीली इसके अंदर जो है सेट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब दोनों स्क्रू जो है आपको वापस लगा देना है इनकी। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये पीस लगेगा और इनके दोनों के जो स्क्रू है वो लगाने हैं। तो इसके अंदर हमने टो हुक को लगाना, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके अंदर इसको डालना है इस तरह। और इसमें अब तीन एडजस्टमेंट है, देखो ये तीन स्क्रू के पॉइंट दे रखे हैं, जैसे इसको आप यहाँ सेट कर सकते हो, यहाँ या फिर यहाँ। ये तीन एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो जिससे आपकी जो ये हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो सबसे लास्ट वाला है उस पर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे भी दो स्क्रू लगाना है, वो भी हम जल्दी से लगा देते हैं। जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है उसमें भी ये टो हुक लगेगा, इसको लगाना बहुत इजी है। यहाँ पे स्क्रू दे रखे हैं, इसके अंदर कुछ इस तरह ये सेट होगा, या दो स्क्रू दे रखे हैं, दो स्क्रू लग जाएगा और ये कुछ पीछे इस तरह ये सेट हो जाएगा भाई। कुछ इस तरह इसके स्क्रू लगेंगे और इनको फिर अपने को टाइट कर देना है, इन स्क्रू को भी। इसको भी आप यूज़ कर देते हो, ये इस तरह से ओपन होगा और कोई भी अगर पीछे अगर होगा तो उसे डायरेक्ट ये हुक हो जाएगा। अब आगे वाले कुछ पोर्शन रहा है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो अपनी ये ट्रे आएगी। इस ट्रे को कुछ नहीं करना है, सिंपली ये इस तरह से लगेगी। इसमें देखो पीछे देख सकते हो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ उठे हुए पोर्शन है, वो इनके अंदर डायरेक्ट जाएंगे और ये यहाँ पे ये सेट हो जाएगी। देखो इसके अंदर फिर डालना है और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जो आगे वाला पोर्शन है उसके लिए दो हमें दे रखी है, एक तो व्हील वाला पोर्शन दे रखा है और डायरेक्ट एक स्टॉपी वाला। मुझे व्हील वाला अच्छा लग रहा है तो मैं व्हील वाला लगाऊंगा। इसको लगाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसके जस्ट इसको ऊपर रखना है, एक को इसके अंदर डालना और फिर इसको सिंपली अंदर की तरफ पुश कर देना है। ये देखो ये लग चुका है और आप इसे वापिस से नीचे भी हो जाएगा और ऐसे ऊपर भी हो जाएगा और ये देखो इस तरह से लॉक भी हो जाता है। जो हमारे जो इसको ट्रेलर को ऊपर रखने के लिए कैप भी लगा देता हूँ ऊपर वाली। अब आप देखिए इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है। और इस ट्रेलर को मैं अगर आगे पीछे मूव करता हूँ तो अभी इसे इजीली कर सकता हूँ क्योंकि हमने ये व्हील वाला लगाया है। अब जो इसके जेरी कैन है वो देखो इसके पीछे भी ये दे रखा है, तो इजीली यहाँ पे ये टक इन हो जाएंगे। दोनों जेरी कैन भी कुछ इस तरह लगेंगे, ये देख लीजिए दोनों जेरी कैन को लगा दिया। अब इसे टो करते हैं अपनी जिमनी के पीछे। ये जिमनी के पीछे जो टू हुक दे रखा है जस्ट इसके ऊपर रखना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, इसके उसके ऊपर रखना है, फिर इसको हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से ये लॉक हो जाएगा प्रॉपरली, देखो लॉक हुआ है इसके ऊपर। अब देखो मैं इसको कैसे भी हिलाऊंगा ये बाहर नहीं आएगा, देखो इतना कितना भी खींच ले नहीं आएगा। और जो हमारा व्हील है इसको मैं ऊपर कर लूँगा। ये देखो ये है इसका प्रॉपर सेटअप, इस तरह से लग रहा है। और ये इतना दूर दे रखा है कि भाई इजीली इसका जो डोर है, इतना गैप दे रखा है कि इसका जो डोर है वो भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं इसको,
पीछे जिम का ये देखो कैसा लुक रखा है भाई। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा और ये हमारा जो जिमनी ट्रेलर फर्स्ट इन इंडिया है, अभी तक ये किसी ने बाय नहीं किया इंडिया के अंदर, और थोड़ा सा हल्का सा सस्पेंशन भी इसमें देखने, और कितना बेहतरीन लग रहा है भाई जिमनी के साथ। ये कलर भी इसके लिए मैंने ये सेम कलर मंगाया था भाई, गाड़ी और दोनों सेम कलर का होना चाहिए ताकि एक अच्छा लुक आ सके। देख सकते हो अपनी, इसके पीछे भी हमने टू हुक लगा रखा है जो बिल्कुल फंक्शनल है। इसको देखो ऐसे ऊपर करके इसके अंदर भी हम कुछ भी टो कर सकते हैं। देखो ये इसके लिए परफेक्ट है, ये देखो इस तरह से लग जाएगा, और कुछ भी टो करना हो तो हम पीछे भी एक हुक आ चुका है जिससे हम टो कर सकते हैं। एक लंबी कैरी वैन भी बना सकते हैं, अगर आप इस पे अच्छा प्यार मिला तो एक हम और बाय कर लेंगे इसके लिए।